वाली छेद में ही पति की मौत हो जाने के बाद ससुराली जनों द्वारा देवर के साथ विवाह करने का आश्वासन दिया गया, जिसके चलते देवर ने भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और देवर द्वारा शादी से इनकार करने पर पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहां उसने न्याय की गुहार लगाई है। अपने चार बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह पीड़ित महिला है जो कि थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव की रहने वाली है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने बताया है कि बीते महीनों पूर्व उसके पति की मौत हो गई थी। इसके बाद सभी ससुराल वालों ने देवर के साथ शादी करने का आश्वासन दिया था और देवर द्वारा शादी करने की बात कहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। देवर द्वारा उसकी पत्नी मानकर रखा गया और पत्नी की तरह ही उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए गए, लेकिन अब देवर और ससुराली जन शादी से इनकार कर रहे हैं और पीड़ित महिला को डराने धमकाने का काम भी कर रहे हैं। पीड़ित महिला ने न्याय के लिए थाने पर तहरीर दी, पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया और न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही क्या कुछ बताया है अब जरा यह भी सुनिए। जब थाने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित महिला अब न्याय की उम्मीद लगाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहां पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही क्या कुछ बताया है अब जरा यह भी सुनिए।